देखो आया इनको कैसे लात मार रही है। सुबह गंदी बात है भाई, है ना वो एक पलटी और ये गया नीचे। तो यहाँ पर ना मेरी जो है ना मैंने रेडी कर दी है। जय माता दी। मम्मी कोई भी काम कर ले बच्चे नहीं दिलेंगे। झूठी कही थी, मुझे लगा नहीं गिरा। डांडिया सेलिब्रेट करेंगे आज। ठीक है देखा जाएगा, ले चलते हैं आज। तो गाइस काफी टाइम से हमने एक चीज आपको बताई नहीं थी, तो आज हम आपको देने वाले बहुत बड़ी खुशखबरी ड्रीम हाउस में, जो कि बन चुका है, रेडी हो चुका है। कुछ समय में हम यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और जो हमारी लाडो रानी सोने का नाम नहीं ले रही है, उसने अपनी नींद ले ली है। और हम लोग 3 बजे आए थे जिम से, जिम करके 1 बजे गए थे, 1 बजे गए थे, 3 बजे आए थे, उससे पहले हम मूवी गए थे। तो बस अभी मैंने अपनी मल्टीविटामिन ले लिया है, मल्टीविटामिन खाऊंगी और सोने का प्रयास करूंगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये नहीं सोएगी तब तक हम भी नहीं सो सकते। हाँ जी बहन, नीनी नहीं आ रही आपको? इसको एक बॉटल मिल गई है, उससे खेल रही है। तो पल्ला लगाया। ओए चपल्लू। तो गाइस मैंने अभी अपनी डाइट में एक तो रोल खाया है जो हम वेज रोल बनाते हैं वो, और दूसरे मैंने खाई है शकरकंदी। और मैंने सोने से पहले, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले प्रोटीन भी ले लिया। तू अपनी जो कैप है ना उसको खोल रही है, देखना इसको अपनी कैप से प्यार हो गया, अपनी कैप को खोल लिया है। सो जा लक्ष्य, ब्लॉग डाल रही हूँ। ठीक है, टोपी खोल ली खुश। मैंने टाइट बांधी थी, मैंने कहा जब सर वो ना हो गए, अब थोड़ी लूज बांधी तो इसने खोल ली। क्या फायदा हुआ टोपी का, कोली गोली गली। टोपी लगाने के बाद भी छींक मार रही थी। वो आज ना ग्लव्स के बिना जब एक्सरसाइज करी थी ना, तो हाथ थोड़ा सा छिल गया और देखो लाल हो रहे हैं। सो जाओ यार, सुबह उठना है 9 बजे। 4:30 तो हो ही गए हैं। सो जाओ, सोना तो पड़ेगा। तू बा सो जा बेटा, जो भी गोली है ना। हाँ जो भी गोदी। तो यहाँ पर ना हमने जो भी भिगो के रख दी है। तो गाइस टाइम देख लो। तो गाइस बस मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, फिर पायल एक काम करे उसके बाद तू शावर ले लियो, फिर मैं बैठ जाऊंगी बच्चों के पास। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज चुके हैं 8 और यहाँ पे जो है हमारे तीनों रानी राजकुमार सब लोग जो है उठ चुके हैं। देखो सबसे बड़ा राजकुमार, सबसे छोटी राजकुमारी और एक और राजकुमार। तो ये तीनों जो हैं उठ चुके हैं सुबह सुबह, और वैसे भी कल सोते सोते 5 बज गए थे, तो सिर्फ 3 घंटे की नींद ली है। और क्योंकि आज है नवरात्रि पहली, तो बहुत सारी जो है तैयारियां करनी है। गोलू गई है शावर लेने। गंदी बात मत करिए बिल्कुल भी। अहान का ना पेसिफायर ले रही है। आपका टाइरा इधर, ये लो आपका इधर। दीदी उसकी नजर उसके पेसिफायर पे, मुझे पता है, अभी खींच लिया था मैंने, आज पकड़ा इसका। लो अब वो देख रहा है इसको, वो तुझे देख रहा है कि मम्मी क्या। नहीं अयान की बात कर रही थी मैं। हाँ जी बेटा, आप मेरे को देख लेते, आपकी एक शख्स कहाँ गई? इसकी निकल गई। वन शख्स कहाँ? रात को हमने इसको डायपर नहीं बनाया ना, तो अभी उठा पूरा गीला, मैंने इसको डायपर लगाया। जुजु बॉय। तो बाहर का जो मौसम है ना एकदम ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है मस्त और बारिश आ रही है। तो यहाँ पे मैंने तूबा को और अयान को दोनों को कॉट में डाल दिया, क्योंकि ये लोग जो है अभी सोने वाले हैं, इनको नींद जैसी आ रही है, ज्यादा टाइम नहीं होना। तो और यहाँ पे जो है जैद, तो जैद को बिल्कुल नींद नहीं आ रही, तो इसको मैं थोड़ी देर घुमा लेती हूँ, उसके बाद जो है ये सो जाएगा। घूमी घूमी करने बेटी को, चलो फिर घूमी घूमी करा दो। तो यहाँ पे ना पूरा मंदिर का सामान निकाल दिया, मंदिर को पूरा क्लीन करना है अभी। मंदिर क्लीन होता है इतने गोलू नहा लेगी, और ये जो है राजा जी अभी नहीं आएगी, अभी ये छोएंगे बहुत देर बाद, बहुत देर बाद। तब तक तो है हम लोग मंदिर क्लीन करके मंदिर की पूजा कर लेंगे। मैंने सोचा दोनों सोने की अवस्था में तो सो जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरे को देखो, देखो आया इनको कैसे लात मार रही है। सुबह गंदी बात है भाई, है ना वो, इसको जरा ना मैं रख के इन दोनों को सेट करती हूँ। तो मैंने तीनों को कॉट से बाहर निकाल दिया और तीनों जो है छटपटा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों सोएंगे। इसको देख लो, थोड़ा सा एक पलटी और लेगा नीचे जाएगा, संभालना पड़ेगा। ये देख लो एक पलटी और ये गया नीचे। आजकल बहुत ज्यादा बाबू आप चेतावनी कर ले हो, बहुत ज्यादा चेतावनी कर ले हो। उधर चलो, मैंने वहां से लाया था आपको, चलो उधर। वो देखो भाई को, भाई भी रो रहा है। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन, और ये वाला जो कपड़ा है ना हम कल लेकर आए थे, जिस कपड़े की हम बात करी थी, सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया। और मैंने पायल को बोला पायल तू आ जाए यहाँ पे, मेरे को बैठ के चीजें बता दे। और दोनों बाबू बैठी हुई है, कैसी गुतुआ लग रही है। पायल जब सर्दियों में धूप नहीं आती थी, जैसे जब थोड़ी बहुत धूप आती कितनी अच्छी लगती है ना। यहाँ पे बिठाऊंगी आप सबको, ठीक है, मंदिर के पास। बालकनी अपने पास दो। हाँ तो यहाँ पर ना मेरी जो है ना मैंने रेडी कर दी है। जय माता दी। तो गाइस मेरी जो पूजा है एकदम डन हो गई है, और साथ ही साथ मैंने माता रानी को भोग भी लगा दी है। तो बस गाइस मेरा शावर भी हो चुका है, गोलू ने कर दी है ज्योत बत्ती, अब हम लोगों ने दोनों ने फास्ट रखा है। तो चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद जो भी काम है घर का वो देख लेते हैं। आपकी नींद सिर्फ 10 मिनट की होती है, आपकी नींद सिर्फ 10 मिनट की। कहाँ देख रहे हो? मम्मा तो इधर है। ओ हेलो हीरो, हीरो
हेलो मम्मी, हेलो मम्मा, मम्मा लव यू, मम्मा लव यू। पता क्या है, अयान और टूबा ट्विन पैदा हुए थे ना, तो साथ में क्या इन दोनों का कनेक्शन है, साथ सोते हैं, साथ 10 मिनट तक, और फिर 10 मिनट तक साथ उठती है। आपको दूसरी महारानी से मिलवाती हूँ। तो गाइज ये जो इसने पहना है ना, ये है तिलस्मी मोती, जिससे कि बच्चों को दांत आने में ना थोड़ा इजी हो जाता है, रिलीफ मिलता है। जैसे बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, बच्चे पतले होने लग जाते हैं, बच्चे इरिटेट होने लग जाते हैं, तो उसमें ना आराम मिलता है। तिलस्मी मोती के नाम से ये हर जगह मिल जाता है, अमेज़न पे भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ना हमारी चाय भी आ गई है, और यहाँ पे दोनों भाई बहन खेली गेली गल्ले, भाई खेली गेली गल्ले हो, सही है ना, पहले आंखों के सामने रहते बिल्कुल, और गिरने का कोई डर नहीं है। मम्मी कोई भी काम कर ले, बच्चे नहीं दिलेंगे। तो यहाँ पे घिसा जा रहा है बादाम, क्योंकि बच्चे को देना है जैद को बादाम घिस कर, किसी ने बताया था ये बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। तो यहाँ पे आ चुका है जैद का एप्पल प्यूरी, और ये खाएगा एप्पल प्यूरी। तो यहाँ पे गोलू ने नई चम्मच मंगा ली, नहीं गिरा रही है पूरे कपड़ों पे, नहीं गिरा कपड़ों पे, मैंने देखा अभी, ध्यान दिया, देख ये देख, ये क्या है यार, ये क्या है, नहीं गिरा कपड़ों पे, झूठी कही थी, मुझे लगा नहीं गिरा। खाओ बेटा, खाओ जादू, अच्छा जैद का ध्यान, खाओ मेरा बच्चा, जैद का ध्यान ना जब चीकू गोली लेके आता ना अम्मी, तो उसका ध्यान गोली में चला जाता है, गन पसंद है। आज ना पहला नवरात्रि है ना, तो मैंने ना तीनों बच्चों के लिए नए कपड़े निकाल दिए, और साथ ही साथ ना चीकू के लिए भी नए कपड़े निकालूं, क्योंकि चीकू के पास भी ना 15-20 जोड़े नए कपड़े हैं। तो चीकू आज नए कपड़े पहनना, ठीक है बेटा? ओके। इतना गुड्डू बॉय ना, सुबह सुबह इसने बनाना और एप्पल खाया है, बहुत अच्छा बच्चा है, और बादाम, वेरी हेल्दी। पायल अच्छे लग रहे ना बच्चों के कपड़े जो निकाले। अब देख तूबा के फ्रॉक में रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, भाई से मैच हो जाएगी बिल्कुल, दोनों से। और वैसे भी रेड और ग्रीन कलर बहुत ज्यादा अच्छा होता है यार, इसके नाखून बड़े हो रहे हैं, उसके तो कट हो गए इसके, चलो अभी सुबह है ना कट हो जाएंगे, ऐसे करके खरोचती, देखिए देख रहे हैं, देख अभी इसको दे दूंगी ना, ऐसे करके खरोचेगी। तो अभी अभी ना मैंने ना सेंधा नमक मंगवाया है, कुट्टू का आटा मंगवाया, साथ पे ना जो समक वाले चावल होते हैं वो मंगवाए हैं। तो शांति मुझे बोल रही थी कि दीदी डब्बे ला दो, तो ना हम लोग ना होम सेंटर से डब्बे लेकर आए थे, तो इसके अंदर 5 का सेट लाए थे, ये भी 2 ही डब्बे रखे हुए हैं, तो इसमें सामान आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कृष्णा हो गया रेडी नहाने के लिए, और मम्मी ने निकाल दिए थे आपके नए कपड़े, तो जितने बच्चों के कपड़े होते हैं तीनों के वो मैं ही निकालती हूँ, तो इसलिए आज नई नवरात्रि का पहला दिन है, तो बच्चों ने पहने नई नई आउटफिट। ओए कंजक देवी, ओए छोटी सी बाबू, ओए गुज बाबू, नजर लग गई है आपको, आपकी नाक पे टीका लग गया काला। दोनों सेम सेम लग रहे हो, कपड़े भी कलर भी सेम सेम है। निन्नी आई भाई, दोनों बच्चों को निन्नी आई, गेली गेली कल के निन्नी आ ली है। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाल दिए, और ना ये वाले जो कपड़े है ना नीतू ने गिफ्ट किए थे, उस टाइम पे ना हमें लग रहा था काफी बड़े है कपड़े, तो पहन नहीं पाएंगे, तो अभी क्या है ये वाला बेड है ना, इसमें सारे बच्चों के कपड़े है, तो जो जो कपड़े पहनने लायक है ना वो निकाल देती हूँ, क्योंकि क्या बच्चों की पहली सर्दी है ना, तो इस सर्दी में ना बच्चों को बहुत ज्यादा बचा के रखना है, तो जो जो कपड़े है ना सब निकाल देती हूँ, और बाकी कपड़े ना वहाँ पे भी, और आज मैं बच्चों की अलमारी चेक कर रही थी, कुछ कपड़े बच्चों के ना गर्मियों के पड़े हैं, तो कपड़े प्रेस पड़े हैं, तो उन कपड़ों को अच्छे से लपेट के ना बेड में रख देती हूँ। तो ये वाला जो सेट है ना शैफी भैया लेके आए थे, और ये वाला भी ना नीतू ने दिया था, 3 टी शर्ट है, एक तूबा पहन लेगी, एक जैद और एक अयान, तो ऐसे हमारे पास ना 4 पेपा पिग पड़े हैं। ये वाला जो पेपा पिग है ना ये बेबी शावर के अंदर आया था, तो बच्चों को ना ऐसे टॉयज बहुत पसंद है, क्योंकि ये वाले टॉय से इतना ज्यादा खेलते हैं ना, कभी कभी लड़ाई हो जाती है तीनों की, तो क्या अब क्या, अब लड़ाई नहीं होगी, अब मैं 4 टॉय होगी सबको एक एक दे दूंगी। जी पापा पिग से खेली गेली कर लो, दिस इज ब्लडल पिग, पकड़ लो फॉर यू मदर पिग। तो अभी ना मैं और पायल हो गए रेडी, और अभी जा रहे हैं हम फार्म के लिए, क्योंकि फार्म में ना 2 एनिमल्स और आए हुए, तो उनसे मैं और पायल मिले नहीं थे, तो मिलकर आ रहे हैं, बाकी दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, अयान और तूबा दोनों सो रहे हैं। वैसे आंटी ने तीनों बच्चों को सुलाए थे, आंटी जैसे ही ना कमरे से बाहर आई ना आवाज आई इस बच्चे की, जो बच्चा सबसे निकम्मा है सोने में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:15, और अभी हम जा रहे हैं बच्चों को नीचे घुमाने, क्योंकि क्या अभी ना सर्दियां आ गई है ना, शाम को थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो जाती है, अभी क्या बच्चों के लिए थोड़ी सी धूप भी सही रहेगी, तो अभी मैं जा रही हूँ तीनों बच्चों को लेकर घुमाने। पाल मैं आ रही हूँ नीचे से, हाँ नीचे जा रही हूँ, चलेगी? नहीं मैं थोड़ा मैं कपड़े पहनती हूँ, दोबारा वापस चलते हैं, डांडिया रूम के आनी है, ठीक है, और डांडिया खेलने चलेंगे, डांडिया सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। बच्चा पार्टी, चले भाई, चले बिट्टू, चले चले गुम्मू, तुबू चले, तुबा तू, मम्मा भी आ रही है,
चलो चलो आप। जैद है ना नीचे जाके आजकल रोता है शांति। ये रोने लगता है, ये सोचता हम इसमें बंधे हुए हैं। बेटा घूमी घूमी जलूली है ना। अयान ये लो, अयान आपका तो आए नहीं कह रहे। ठीक है ले लो ना। तो बच्चों के साथ ना हमारी भी वॉक हो जाती है, हैं बच्चों की आंटी शांति और मेरी, हम तीनों की वॉक हो रही है। वैसे तो हम लोग निकलते नहीं नीचे वॉक करने के लिए क्योंकि जिम में चले जाते वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। कल रात को हम लोग जिम गए थे और 3:30 बजे के करीब हम लोग आए थे जिम से। बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी, मतलब कि ना रात की जो नींद है ना पूरी नहीं हुई। और आज क्या बहुत सारी तैयारियां करनी है, हम लोगों को डांडिया सेलिब्रेट करना है, तो आज का दिन हमारा फुल पैकअप है। मजा ले घूमते घूमते, मजा ले। तू भाई ये लो आपका टॉय बाबू, पकड़ो पकड़ो हैंडू से पकड़ो। वेरी गुड। तो गाइस अभी बज चुके हैं 6:30 और मैं गोलू हम सब हो रहे हैं रेडी, हम लोग जाएंगे अभी डांडिया। तो बस उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर ना मैंने अपना पुराना वाला जो लहंगा है ना फसा तो लिया है, बट वो लहंगा ना मुझे ना छोटा पड़ रहा है हाइट के अंदर। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ लहंगा चेंज करती हूँ। पायल ने यहाँ पे पहना है पर्पल लहंगा, ये एक बार पायल ने करवा चौथे पहना था पिछले से पिछली बार। तो गाइस यहाँ पे मैंने और गोलू ने पहन ली है सूट। हम लोग लहंगा पहनने वाले थे पहले पर लहंगा ना फिट नहीं हुआ, तो मैंने और गोलू ने बहुत ही पुराने वाला हमने अपना सूट पहना है। और सच में ऐसा लग रहा है कि हमने जस्ट अभी सिलवाया है, ये पहले का सूट है, बिल्कुल फिटिंग आ रही है। तो हम लोग बस रेडी हो गए, हेयर स्टाइल कर लेते हैं और निकलते हैं डांडिया नाइट के लिए। आज हम जाने वाले हैं डांडिया नाइट। तो मुझे एक बात बता, मालूम है क्या करूँ, मैं बाल छोटे हैं, तू बता। कल्स करा ले फटाफट, कल्स करा लूँ। हाँ ठीक, फटाफट करा ले। आप भी जल्दी से कुर्ता पजामा पहन लो बेटा, दे देती हूँ आज। तो गाइस फाइनली हम लोग हो गए रेडी और यहाँ पे हमारी तूबा रानी भी हो गई है लेदी। निन्नी आई है, निन्नी करेंगे गाली में। सो जा बेटा, चलो चले। मेरे को 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में मैं करा लेती, फिर तो करा लियो। तो गाइस यहाँ पे मेरे को उठा के ना लड़का बैठ गया, कह रहा है मेरे को पहले हेयर स्टाइल करवाने दो, बाकी इसको जेल वगैरह तो लगाने नहीं देंगे। हल्की हल्की प्रेस करवा रहा है अपने बाल में ताकि थोड़ा स्ट्रेट हो जाए बाल उसके और अच्छे लगे। तो बस इसके बाद जो है गोलू ने तो यहाँ पे करवा लिया अपना हेयर स्टाइल, मेरे कल्स बाकी हैं, बस कल्स करवाते ही निकलते हैं हम। यहाँ पे हमारा बेटू भी रेडी है, तीनों बच्चे रेडी है जाने के लिए। आज करेंगे डांडिया नाइट, ये नाइट डिंग 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 डिंग। 10 बजे खत्म हो जाएगा, फोन आ गया मेरे को, निकल लो फटाफट। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और ना अभी यहाँ से जो लोकेशन है ना पूरे आधे घंटे की दिखा रही है, तो 8:50 हो रहे हैं, 9:20 से पहुंच जाएंगे। पर कोई बात नहीं, हमारे पास ना 40 मिनट्स होंगे, तो आज जाकर ना पहले देख लेते हैं वहाँ पे कैसा है, कितनी मस्ती हम लोग करेंगे। अगर अच्छा रहा ना तो चीकू फिर कल भी चलेंगे, ठीक है। बट कल हम टाइम से चले जाएंगे, होता ही है ना देखो पहली बार कहीं जाते हैं ना थोड़ा टाइम लग जाता है, प्लस हमारे साथ 3 बच्चे हैं, टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं तू बना नहीं बैठी हुई है आराम से, उस टाइम बहुत रो रही थी पर अभी शांत है। और एक गाड़ी आ गई है, एक गाड़ी हमारी, तो बस चले चल। नहीं एक गाड़ी आ गई है ना पर हमारे, एक हम पीछे है, एक हम पीछे है। तो गाइस पहले ना हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम लोग ना बच्चे लेके जाएंगे, बट अचानक से पाल ने बोला काम करते बच्चे लेके जाते। फिर जब तू बाहर होने लग गई ना तो पाल कह रही गोलू यार हम कोई गलती तो नहीं कर रहे लेके जाके। मैंने कहा हाँ यार तो सही बोल रहे, काम कर कैंसिल कर देते हैं। तब तक बच्चों ने कपड़े पहन लिए थे, पाल कहती देखी जाएगी जो होगा है देखा जाएगा, ले चलते आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हम तो एडवेंचर करते करते बच्चों को भी करा देते हैं। तो बच्चों को पूरे वार्म कपड़े पहनाए हैं, साथ में कैप ले ली है, ब्लैंकेट ले लिया, सब कुछ ले लिया ताकि बच्चों को ना बिल्कुल भी ठंड ना लगे। बुबू भाई लेदी हो गया जाने के लिए, फिर देख होठ खा रही है, फिर होठ खा रही है, इसके भाई ने छोड़ा है खाना तो ये खाने लग गई है। याद है मैं इसको जैद को ऐसे करती थी, अब आजकल ये कर रही है, इसका मतलब इनकी एज होती है वाली। हाँ ये लिप्स वाइट है ना। तो गाइस पहले ना हम लोग लहंगा पहन रहे थे, मैं पहन रही थी सिल्वर कलर की हमारी कोटी थी और नीचे पर्पल कलर का लहंगा था मेरा, लाइट पर्पल और गोलू का था डार्क पर्पल। फिर देखा कि ना गोलू को वो लहंगा छोटा आ रहा था क्योंकि वो लहंगा मेरे साइज का था। फिर मैंने कहा कि ये वाला सूट ना हमारा रखा हुआ है और ये काफी टाइम पहले हमने एक ही बार पहना हुआ है, तो हमने कहा ये वाला सूट पहनते थोड़ा लहंगा स्टाइल भी है क्योंकि गरारा है ना तो अच्छा लग रहा है दोनों पे। हाँ जी बुद्धा बाबू आज तक घूमी घूमी करने जा रहे हो दोनों मामाज के साथ? आज तो सारे बच्चे जा रहे हैं, चारों के चारों, चारों बच्चे। तो गाइस जैसे हम लोगों ने ट्विनिंग करी है ना ऐसे अयान और जैद ने भी ट्विनिंग करी है। शेम शेम है दोनों बाबू हमारे, शेम शेम। ये कितने प्यारे लग रहे हैं आज, येलो येलो कुचू भाई, नजर न लग जाए, एक दूसरे को देख रहे हैं, नजर न लग जाए मेरे पुत्र को पायल, इसको भी नजर न लग जाए, ये तो हीरो है। दोनों एक दूसरे वैसे घूर रहे, कैसे कॉपी बैठी मेरे सामने, ये मेरी कॉपी है कि मैं इसकी कॉपी हूँ, और दोनों एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं। हाँ जी वो देखो बुद्ध पाए, ये आपका भाई है, ये बिग ब्रदर है आपका, और ये सबसे बड़ा बिग ब्रदर इधर बैठे जो 3 ब्रदर्स यो यो। तो बच्चे रो ही ना, तो इनको ना बाहर गाड़ियों के नजारे दिखा रहे हैं, घर पे तो ये चीजें देखते नहीं ना, तो बाहर एकदम ना ऐसे दिख रहा है रेड लाइट ग्रीन लाइट गाड़ियां देख रहे हैं, फुल खुश हो गए हैं एकदम शौक। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आया डांडिया करके ना, बहुत ही ज्यादा मजा आया, मतलब कि ना वहाँ पे जितने भी लोग थे ना सारे इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे ना, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे खेल रहे हैं। जितनी भी लेडीज थी सारे खुद हमें आकर ना सिखाया, बच्चों ने सिखाया, ग्रीटिंग दी, मतलब
बहुत मजा आया। तूबा तूबा को भी बहुत मजा आया। अयान आपको कितना मजा आया बाबू? अयानू आज तो इतने दिन बाद खेली खेली करने आए थे बाल, अब तो घूमी घूमी करने आए थे। एंजॉय किया भाई, एंजॉय किया। और स्माइल यार बच्चों का टच वुड हमें तंग भी नहीं करा। मेरे को उम्मीद नहीं थी, है मेरे को लग रहा था एक आधा जो होगा ना ची ची करेगा, बट किसी ने नहीं करा। मेरी तूबा रानी ने भी नहीं किया, जैद बाबू ने, नानू ने, किसी ने नहीं किया। हमारा जो बच्चा है ना देखो यहाँ पे आराम से बैठा है, क्योंकि यहाँ पे ना पूजा, पायल, अयान, मैं, तूबा, लक्ष्य, जैद सब बैठे हैं ना हम इकट्ठे। हेलो बाबू, आप आगे बैठी हो, नजारे देख रही हो, आज तो घूमी घूमी भी कर ली। तो गाइस काफी टाइम से हमने एक चीज आपको बताई नहीं थी, तो आज हम आपको देने वाले बहुत बड़ी खुशखबरी। तो अभी फिलहाल हम लोग आए हैं हमारे ड्रीम हाउस में, जो कि बन चुका है, रेडी हो चुका है। कुछ समय में हम यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं, तो यहाँ से है जो शुरुआत। आगे लेकर दिखा देती हूँ, ये है हमारी एंट्रेंस और बाहर ना बहुत प्यारा सा लॉन है, ग्रीनरी है, और ये है हमारे घर की एंट्रेंस। तो आ जाइए। तो ये है मेन डोर, मेन डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग रूम दिखेगा। मतलब जितने भी गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। और सबसे पहले सबसे मेन चीज आपको दिखा देती हूँ, घर का मंदिर। तो इस बार मंदिर का जो है बहुत अच्छा सा हमने करवाया है, दिखा देते हैं। आ जाओ। तो ये है मंदिर गाइस, आगे चलते हैं। ये साथ में ही लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, ये साथ में लिफ्ट और है। लिफ्ट के साथ साथ ना जैसे कि घर में ना कभी कभी बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती है, तो हम लोगों ने ना दो हॉल करवाए हैं। तो एक हॉल ये है और एक हॉल है ये, ये है जिधर इस साइड भी सीटिंग है, उस साइड भी सीटिंग है। अब आगे लेके चलते बेडरूम की तरफ। यहाँ से ऊपर जाके सीढ़ियाँ हैं, ये बहुत सुंदर सा हमने झूमर लगवा रहा है, और यहाँ पे छोटा सा लॉन्ज है। इस साइड आओगे आप तो ये है फैमिली के हिसाब से बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। और यहाँ पे ना हर एक चीज बहुत अच्छी अच्छी लगवाई है, आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये वॉच हो गई, और इस साइड जो है ये पुराने जमाने में बाजा चलता था, ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन है। और इधर बहुत सुंदर सुंदर देखो ये कैटल्स वगैरह सब साउथ अफ्रीका से मंगाया हमने। वो एक्चुअली क्या है, सब कुछ ना पूजा ने ऑर्डर किया था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कम आईडिया। डाइनिंग टेबल भी इटली से, तो जो डाइनिंग टेबल मंगवाया स्पेशली पूजा ने इटली से मंगवाया है, क्योंकि जो हमारे भैया है ना पूजा के हस्बैंड, इटली से आया, इटली से उन्होंने मंगवाया, उनका वहाँ पे जान पहचान थी बहुत ज्यादा। और आपने ना बहुत बार ना मुर्गा देखा होगा, पर मैं आपको मुर्गा दिखाती हूँ हमारे किचन के अंदर। प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट सा है, हेन है। उसके अंदर हमने अंडे रखे हुए हैं, पर भैया ना कि अभी हम इन चीजों को यूज नहीं कर रहे, बट सब कुछ हमने रखा हुआ है पहले से। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी आपको किचन दिखेगी, जिसमें बीच में आपको टेबल दिखेगा। यहाँ पे अगर किसी को किचन में बैठ के खाना खाना तो वो लोग खाना खा सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनवाया। अभी धीरे 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 आपको पूरा होम टूर कराएंगे, लेकिन जब आपके कमेंट्स बढ़ जाएंगे ना कि पूरा घर दिखाओ तभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी बेडरूम्स वगैरह ऊपर रूफ टॉप पे हमने पार्टीज के लिए बहुत कुछ करवाया है। और एक बात और गाइस, तो ये किचन है अभी खत्म नहीं हुई है, एक किचन के अंदर हमारी दूसरी किचन है। जैसे ये किचन है, मेन किचन अंदर है जहाँ पे सारा हम खाना वाना बनाएंगे, फिर यहाँ पर बाहर सर्विंग होगी, फिर सर्विंग से हम लेके जाएंगे डाइनिंग टेबल की तरफ। तो गाइस फिलहाल हम अपने पुराने घर पे पहुंच गए, नया घर आपको आधा दिखाया हमने, आधा दिखाएंगे हम जब आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे ना कि आपको हमारा न्यू हाउस देखना है, तब आपको दिखाएंगे। ये जो चीज हमने आपको नहीं बताई थी तो आज बता दी है। और बस बच्चे सो गए, अब जाते इनको सुलाना है, उसके बाद जो है चेंज वगैरह करना है, और चीकू का है कल स्कूल, तो बच्चे इतने थकी हुई थी ना गोदी में आते सो गए। तो गाइस यहाँ पे आते ही सबसे पहले माइक्रोवेव ऑन किया, माइक्रोवेव में रखे हमने आलू उबालने के लिए, क्योंकि कुछ खा के नहीं गए थे, फास्ट था हमारा, तो फटाफट से हम लोग जो है कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। और साथ ही साथ धीरज भैया ने भी फास्ट रखा हुआ है, तो इनको भी कुछ ना कुछ बना के खिला देते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चे जो है वो सो गए टाइम से, पर जो हमारी तूबा है ना वो सो गई थी गाड़ी में, तो सो गई थी, पर यहाँ आते ही जो है वो उठ चुकी है, और गोलू ने उसे संभाल रखा है। चीकू चीकू का जाना भाई, चीकू का नया टॉय मैच देखो किससे हो रहा है, तूबा से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा न्यू सॉन्ग आ गया है, सर्च एंडी छोरा, और ये जो गाना है बहुत ज्यादा स्पेशल गाना है, क्योंकि अरमान जी की खुद की वॉइस में है, नंबर वन रिकॉर्ड्स पे आ गए। जिन्होंने अभी तक ये गाना नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके गाना चेक करें, और अपना प्यारे प्यारा कमेंट करना बिल्कुल मत छोड़ना कि आपको गाना कैसा लगा है। तो थोड़े से गाने की आप झलक देख लो पहले, और ये गाना गाइस स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर ना मैं, अरमान जी और पायल तीनों है, और हम जब तीनों गाने में आते हैं ना तो मुझे पता है कि आप लोग जो है ना बहुत सारा प्यार दोगे उस गाने को, ना जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग पे लेके आओगे। तो गाइस आपको बहुत सारा शेयर करना है गाने को, लाइक करना है, कमेंट करना है, और बहुत सारा प्यार देना है। तो गाइस बस गाने को जितना हो सके प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना। मैं अरमान जी और पायल ना आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे नंबर वन रिकॉर्ड्स पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइस बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।